हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा हैं। कल से सत्र शुरू होगा, किन मुद्दों को लेकर के कैसे रहने वाला है सत्र? विधानसभा का सत्र कल शुरू हो रहा है। हम लोग जनता के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे, सरकार को घेरने का काम करेंगे। प्रदेश के अधिकांश जिलों के अंदर बाढ़ के हालात बने हुए हैं, हजारों लोग जो हैं फंसे हुए हैं, सैकड़ों गांव डूब गए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से राहत का कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। हम लोग सरकार को इस मुद्दे पर घेरने का काम करेंगे। लगातार जो है अफसरशाही हावी है, जनता की कोई बात सुन नहीं रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बिना पैसा लिए हुए कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, थानों में खुलेआम घुस ली जा रही है और अब तो पुलिस वाले को ही लूटने का काम कर रही है। पूरे प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है, गरीब लोगों के मकानों को तोड़ने का काम हो रहा है, बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों के मकान और दुकान तोड़ने की कार्रवाई हो रही है। लगातार बढ़ती महंगाई से जनता में हाहाकार मचा हुआ है। भाजपा की प्रदेश सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है, इस सरकार से जनता का विश्वास खत्म हो गया है और प्रदेश भर में जबरदस्त जन आक्रोश व्याप्त है और हम लोग जनता के इन मुद्दों को लेकर के विधानसभा के अंदर संघर्ष करने का काम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे को बनाया गया है, तो समाजवादी पार्टी के पीडीएफ फॉर्मूले के बीच अभी ये ब्राह्मण कार्ड चला गया। माता प्रसाद पांडे जी दो बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, उनको बहुत अधिक अनुभव है, बहुत लंबे समय से वो विधायी कार्य में रहे हैं, इसलिए उनके रहने से विधानसभा के अंदर जनता के मुद्दों को की मजबूत लड़ाई लड़ने का काम होगा। और माननीय पीडीए के बीच में ब्राह्मण कार्ड भी चला है समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे के जरिए। देखिए, पीडीए का पूरा अर्थ है पिछड़ा, दलित और ए से दो हैं, अल्पसंख्यक और अगड़ा। पीडीए के बाद उसे पीडीए किया गया है, पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है और अगड़ा भी है। तो माता पांडे जी अनुभव के आधार के ऊपर बनाया गया नेता प्रतिपक्ष और उनके रहने से जनता के मुद्दों को हम लोग उठाएंगे और लगातार लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सड़क से लेकर के सदन तक मजबूती के साथ अब संघर्ष होगा। धन्यवाद। ये समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मल्होत्रा, जिनका कहना है कि माता प्रसाद पांडे एक अनुभवी नेता हैं, लिहाजा उनको नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद से समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों पर सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरेगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।